الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون امنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بيد فضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل الله كفضل واحسان और करम से हम पैदा हुए और हम जिंदा हैं दैट वी एग्जिस्टेड बाई दी फ़दल ऑफ़ अल्लाह सुबहाना हुआ तला एंड वी आर कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग बाई दी फजल ऑफ अल्लाह सुबहाना हुआ तला तो ये अल्लाह ही का फ़ल्ल है कि हर दिन और हर रात जो गुज़र रही है कि अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे हुए है परदा पोशी किए हुए है क्योंकि अल्लाह जल्ला जला ने फ़रमाया अपने कलाम ईशान में वलो यु आखिज़ुल्ल सबिमा कसाबू मैं तार ज़हरी मंदाब के अगर अल्लाह अल्लाज जुलाहु वाकियतन हकीकतन हमारे अमाल पर जो हम करते हैं पकड़े तो एक जानदार भी अल्लाह जिला जला ने फ़रमाया कि तुम नहीं पाओगे ज़मीन पर जिंदा चलता हुआ So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that if Allah was to hold accountable the people on the face of the earth, what they are doing, you will not find one living being on the face of the earth. This is the रियलिटी ऑफ अवर आमाल एन ईमान ये हमारे आमाल और ईमान की हकीकत है कि हम जो समझते हैं हम बहुत बड़े हैं बहुत नेक हैं तो अल्लाह जल्ज जलाल फरमा रहा है कि अगर अल्लाह की पकड़ आ जाए अदल वानसाफ़ से अल्लाह जलाल हु काम ले बंदू के मामले में तो फिर जो है हम अजाब के मुस्तक हैं तो इस आयत से बंदे में पूरी ज़िंदगी के लिए आजज़ी और इंकसारी का दरवाज़ा खुल जाता है क्योंकि वह हर रोज़ जब वो यही सोचेगा दिन में रात में आयत पर सोचना चाहिए क्योंकि कुरान मजीद तो क़्यामत तक के लिए एक हदायत और रहनुमाई है हर रोज़ के लिए रहनुमाई है तो अगर रोज़ाना एक दो मरतबा भी इस आयत का मफहम जहन से गुज़र जाए तो उसको ना अपनी नेकी पर तकब्बर करने का की सूझेगी ना अपने बड़ेपन की अपने माल और दौलत पर फखर करने की सूझेगी ना उसको अपनी नमाज़ों रोज़ा हज ज़क़़्त अपनी इबादत अपनी दीनदारी उसके सामने जो है वो आएगी क्योंकि वो अल्लाह अला जिलुमाजू का ये कलाम समझता और मानता है कि बावजूद है कि मैं नेक अमाल करूं फिर भी अल्लाह के अदल पर अल्लाह का पाक का जो हक़ है वो मुझसे पूरा नहीं हो सकता उससे फिर भी मैं नीचे रह जाऊंगा और कोई गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हो जाएंगी तो बुज़ुर्ग न दीन ने फ़रमाया कि तकबर ख़त्म करने के लिए खुद पसंदी ख़त्म करने के लिए टू proudness, प्राउडनेस like लाइक सम पीपल ask कि हमें हमें जो है खुद पसंदी आ रही है वी आर फीलिंग प्राउड और प्राइड एरोगैनस बेस्ड अपन दैट दुक डाउन अपन अदर पीपल एंड इट इज़ द डिजीज वितान ऑल्सो बिकेम विक्ट तो जिनको ये बीमारी लगी है वो ये सूरत यासिन से पहले जो सूरत आती है सूरतुलफ़ातर उसमें अल्लाह जला जला और भी बहुत सारी हमतें हैं एक इसक में ये इलाज बयान हो गया वलऊ जो आखिदुल्ला कि अगर जो भी तुम अमल कर रहे हो लोगों को अल्लाह पाक उनके अमाल की बुनियाद पर अगर पकड़ करे तो एक जिंदा चीज़ तुम्हें ज़मीन के ऊपर चलती हुई नज़र ना आए तो जब यह हकीकत है तो फिर कौन है जो कहे मैं नमाजी हूँ बड़ा इसलिए मैं सबसे अच्छा मैं बड़ा आलिम हूँ इसलिए मैं सबसे अच्छा मैं बड़ा नेक मैं इबादत गुज़ार हूँ मैं तहजद गुजार हूँ इसलिए मैं दूसरों को अच्छा अपने अंदर बड़ाई पैदा करें बल्कि नेक लोग जो हैं वो ये अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत समझते हैं बहुत शुक्र गुज़ार होते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको अल्लाह पाक का नाम लेने की इजाज़त दी है अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने की इज़न इजाज़त दी है क्योंकि क़्यामत वाले दिन लोग जब अल्लाह जल जला की तजल्ली होगी तो क्यामत वाले दिन लोग सजदा करना चाहेंगे लेकिन बहुत सारे लोग सजदा नहीं कर सकेंगे ऐसे होगा जैसे सरिया उनके कमरों में और उनकी गर्दनों में आ गया है दूसरे लोग सजदा कर लेंगे कुछ लोग खड़े रहे ये वही होंगे मुतकबर लोग जो दुनिया में अपने आप को बड़ा समझते थे नमाज के लिए बुलाया जाए अल्लाह के सामने झुकने के लिए त्याने नहीं बंदुओं के सामने वो क्या झुकेंगे और और अल्लाह के सामने भी झुकने वाले में से कुछ ऐसे हैं कि वो उससे भी तकबर ही पैदा हो रहा है उनमें बजाय अजी इंकसारी आने के तो क्यामत वाले दिन एक ये मंज़र होगा कि सजदे का हुक्म होगा लेकिन कुछ लोग ये वो होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते या मतकबरीन के उनको अपना नतीजा मिल जाएगा कि तुम दुनिया में जिस अब वही तुम्हारे साथ होगा वही मामला ऐसा नहीं है कि वहाँ और करते रहे अब यहाँ और होगा लेकिन नेकोकार लोग भी जो नेक हैं वो कहेंगे हशर में जन्नतों में या रब्बल आलमीन हमें बड़ा अफसोस है हमें बड़ा गम है हमें बड़ा दुख है कि हम तेरी इबादत नहीं कर सके दुनिया में रह के सही तरीके से ये नेकोकार ये कहेंगे कि जिस तरह हक़ था तेरी नमाज इबादत ज़िक्र तस्बी ज़कात हज उम्रे का हम नहीं कर सके क्योंकि दुनिया में बहुत सारी रुकावटें थी शैतान था ये नफ्स था बीवी बच्चे और तरह तरह की मसरूफियात अब हमें मौका दे, हम जन्नत में आ गए हैं अब हम तेरी इबादत दिल भर के करना चाहते हैं सजदे दिल भर के करना चाहते हैं कि ना नफ्स है अब साथ ना शैतान है साथ ना कोई मुआश कमाने का फिक्र है ना कोई बीमारी का फिक्र है ना कोई थकावट का फिक्र है ना नींद की फिक्र है ना कोई और किसी किस्म की आफत आने वाली है तो अब हम तेरी इबादत जी भर के करना चाहते हैं तो बंदे नेक लोग सजदा रेज़ होंगे सजदों में गिरेंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे बंदो ये सर अपने सजदे से उठा लो तुमने जो दुनिया में मेरी इबादत की जैसे भी की लेकिन तुम में तकबर नहीं पैदा हुआ तुमने जब यह समझ लिया हम हक नहीं तो वही मैंने अपने फजल से कबूल करके वही काफी है तुमने गोया मेरा हक अदा कर दिया हकीकत में तो नहीं हो सकता लेकिन तुम्हारे में जो ये आजजी इनकसारी आई है अब सार उठाओ ये अमल की दुनिया नहीं है ये जन्नत अमल की दुनिया नहीं है अमल तुम दुनिया में कर आए उधर मुश्किल से भी जो तुमने किया गफलत थोड़ी सी आग, उसकी हालत में भी जो तुमने किया वही कबूल है वही अफजल है अब तुम मांगते जाओ और मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता जाऊँ अब्दुल बात अब तुम ये करो मेरे बंदे उठाओ जो एक देखो इर्द गिर्द अपनी जन्नतों में कोई कमी नदी आती है कोई मजीद इजाफा चाहिए कोई चीज़ चाहिए किस तरह की चीज़ चाहिए तुम अब मांगते जाओ और मैं तुम्हें देता जाऊँ अब अब मेरा और तुम्हारा यही मामला रहेगा ये अमल नहीं है ये जजा है फरमाए ये बदले की दुनिया है ये सवाब की दुनिया है दारुल अमल दुनिया था इसलिए इसमें थोड़ा सा अमल भी बहुत बड़ा अजर रखता है कहते हैं कि हज़रत जबरीर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से इजाज़त तलब की कि मैं अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दो नफल जैसे इंसान पढ़ते हैं मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि फरिश्तों को इजाज़त उतनी ही इबादत की होती है जिस तरह उनको हुक्म दे दिया गया जो फरिश्ते सजदे में हैं वो सजदे में ही रहते हैं जो कयाम में है वो क्याम में रहते हैं जो बाद रकू में है वो रकू में उनको अल... इबादत भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर यानी इजाज़त नहीं करने की तो वो सईद नजबरी रजाआल्ला मैं भी इस तरह ये इंसान नमाज पढ़ते हैं क़याम करते हैं रकू सजदा सारा दो रकात पूरी पढ़ते हैं मैं भी दो रकात नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इजाज़त है तुम पढ़ लो तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता जिसका एक पर ये सारी कायनात को भर ले मशरक और मगरब को कवर कर ले इतना उसका जिसम कितना बड़ा होगा और उसके दूसरे पर कितने तो वो खड़े हुए कहते हैं कि पचास हज़ार साल उन्होंने दो रकात नफल पढ़े पचास हज़ार साल लोग पचास हज़ार साल यानी दो मिनट में हम तो दो चार मिनट में भी जो है वो समझते ज़्यादा पढ़ लिया पचास हज़ार साल उन्होंने इबादत की दो नफल जो है वो पढ़े और जब अल्लाह की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से फ़ारो हुए तो अल्लाह पा ने फरमाया जबरील के इंसानों में से एक इंसान इंसानों में से एक बंदा वो ये वही दो नफल जो तुमने पढ़े हैं वो थोड़ी मुद्दत में चार पांच मिनट में पड़ेगा उसका अजर तुम्हारे पचास हज़ार साल के दो नफलों से ज़्यादा हो। होजरत जब्राहल आसमाम हैरान हो गए कि यारब्बल आलाम मैंने तो बगैर मुझे तो कोई ख़्याल भी नहीं आया तेरी इबादत में मुझे ना कोई दुनिया का ख्याल आया ना बीवी का ना बच्चे मेरे है ही नहीं ना खाने का ना पीने का ना थकावट ना कोई और चीज़ और मैंने तेरी तस्बी और तेरी सिफ़ात में डूब कर इबादत की है मैं भूल गया अपने आप को भी भूल गया और पचास हज़ार साल इबादत करता रहा पांच पांच हज़ार छः छः हज़ार साल का एक सजदा किया है और तू फरमा कि दो तीन मिनट के लम्हों का जो दौर काते वो अफजल होंगी बनी आदम की इसकी क्या वजह है मेरे रब अल्लापा ने फरमाया उसकी वजह यह है कि बनी आदम जो आदम की औलाद होगा वो तेरी तरह ताकतवर नहीं होगा उसमें कमज़ोरियाँ होंगी उसका जिसम ताकतवर नहीं होगा वो उड़ नहीं सकता तो ताकतवर फरिश्ता है उसको भूख भी लगेगी उसको प्यास भी लगेगी बाज़ मरतबा उसको बीमारियाँ भी होंगी उसके बीवी बच्चे भी होंगे उसका काम काज मेहनत मज़दूरी का सिलसिला होगा वो लोगों में रह रहा होगा उसमें कई तरह के उसके पर हकूक़ होंगे लोगों के उधर शैतान साथ लगा होगा उधर नफ्स साथ लगा हुआ होगा उधर बुरे लोग और दुनियावी ऊँच नीच तो इस सारी चीज़ों के बावजूद उसका दो मिनट का जो नफल हैं वो तेरे पचास हज़ार साल से अफजल है इसलिए कि ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारे बच्चे ना तुम पर जो है वो अहवाल आ रहे हैं जो उन पर आएंगे तो इसलिए देखें कि अल्लाह जल्लाजल जल हूँ का कितना फज़ल और इनाम है और जो ही बंदा समझेगा मैं बहुत कुछ हूँ बस समझ लें ये उसकी इब्तदा हो गई उसके ख़त्म होने की अब वो कुछ नहीं रहा बंदा सब कुछ है जब तक वो समझे मैं कुछ नहीं हूँ जब तक वह समझे मैं कुछ नहीं हूँ तो वो सब कुछ है अल्लाह की नज़र में और जब वो समझे मैं कुछ हूँ तो बस अब समझें कि अब वो कुछ भी नहीं रहा शैतान ने हजारों साल इबादत की अल्लाह ने फजल के तौर पर कबूल किया अल्लाह पाने रहमत के तौर पर कबूल की लेकिन जब उसने समझा कि इस इबादत की बुनियाद पे मैं कुछ हूँ जब उसने ये कहा कि इस इबादत की बुनियाद पे मैं बेहतर हूँ आना खैर मैं बेहतर हूं तो देखने फिर कुछ रहा उसके पास ईमान है उसके पास कुछ नेक अमल बचा वो सजदे जो उसने किए वो रुकू वो ज़मीन पर जो जिहाद करता रहा वो ज़मीन पर जो लड़ता रहा अल्लाह की राह में जिन्नात से ना वो काम आया वो ज़मीन पर जो सदक़े किए उसने खैरत की ज़क़ातें दी ज़मीन पर जो रोज़े रखे ज़मीन पर उसने जो इबादतें की और मुजाहदा किया फिर आसमानों में जो उसमें से कुछ भी नहीं रहा इसलिए मैं कर कि जब वो समझे मैं कुछ हूं उसी वक्त समझे आप कुछ नहीं है इसलिए आदम इस्लाम देख लें फल भी खाया जमीन पर भी उतर आए तो क्या फरमाया ज़लम ना अनफुसाना अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं मैंने अपनी जान पर हद से बढ़ गया जलम ना अनफुसाना जैसे कुर मजीद में दूसरी आयतों में दुआओं में आता आते अल्लाय इन्नी ता नफसी कहते हमने अपनी जान से ज्यादती की हद से बढ़ गए किया तो वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ मेरे मौला मैं ही सारी इबादत जो जन्नतों में की उन्होंने भी जन्नत में इबादत की थी लेकिन उन्होंने उस इबादत को पेश नज़र नहीं रखा उन्होंने फरमाया रबा ना म ना अनफुसन जुल्म किया हमने अपनी जानों पर हद से बढ़ गए हालांकि हम मासूम होते हैं गुनाह से पाक वह तिल्लाना अब तू ना रहम फरमाए तो हम कुछ भी नहीं है ना कू ना मेलरीन हम घाटा पर तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तू सब कुछ है फिर वही मुकाम उससे भी अल्लाह चीज़ें आपको नायब फरमाए तो ये इबादत का करीना इबादत करे या बंदा बाद की बात है नमाज पढ़ रहा है लेकिन ये आजज़ी इनकसारी तो अपने अंदर रखे नहीं कर रहा है तो समझे मैं कुछ नहीं कर रहा फिर तो आप वाकई में कुछ नहीं और जो कर रहा है फिर भी वो अल्लाह के मुकाबले में समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा इसलिए नबी आसलातम से जब पूछा गया दो हदीसें आपको सुना के फिर ख़त्म करते हैं हर बंदे को ये ख्याल रहता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ सहाबा क़राम ने भी पूछा या रसूल अय्यस्लामी अफजल व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम इज़ द बेस्ट इस्लाम अयुल मुसलमीना खैर और मुसलमान कौन से मुसलमान सबसे अच्छे हैं और इस्लाम किन का अच्छा है ये दो सवाल बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ की जो मुतफकन अल हदीस की किताबें हैं उसमें साहबा कराम ने क्या अब देखे ना ये दो बड़ी बुनियादी चीज़ है उस हस्ती से यह सवाल कर रहे हैं कि जो हस्ती इस्लाम लेके आई शरीयते मुहम्मदिया लेके आई जैसे पहले अम्बिया वो भी और अब दीने इस्लाम ही लेकर आए शरीयें बदलती रहीं तो अब आप, आपके जहन में भी क्या आप नहीं चाहते मैं, मैं अच्छा मुसलमान बनूं कौन है अच्छा मुसलमान फिर वो मैं बताऊंगा या आप बताएंगे नहीं इकराम भी नहीं फैसला कर रहे वो भी हजूर की बारगाह में पेश फरमा रहे फरमा रहे हैं कि अयलमसलिम ही न खैरा या रसोल किस किस्म का मुसलमान सबसे अच्छा होता है अल्लाह के नज़दीक आपके नहीं किस किस्म का मुसलमान अच्छा यार यू कैन से ही इज़ अ गुड मुस्लिम विच टाइप ऑफ मुस्लिम इज़ द बेस्ट मुस्लिम एंड देन देसो आस दिस क्वेश्चन अयल इस्लामी अफजल वट टाइप ऑफ इस्लाम इज़ द बेस्ट इस्लाम इस्लाम सबसे आला किसका है इस्लाम कौन सा बेहतर है इस्लाम में तो बहुत सारे अहकाम है नमाज रोजा इबादत जिहाद, ये और चीजें कितनी हैं? लेकिन साहबा कराम ने वो सवाल किया कि इस्लाम कौन सा अफजल है वट टाइप ऑफ इस्लाम इज द बेस्ट इस्लाम एंड वट टाइप ऑफ मुस्लिम आर द बेस्ट मुस्लिम आप अस्लाम ने फरमाया इस्लाम भी उन लोगों का अच्छा है सबसे और मुसलमान भी सबसे वो अच्छे हैं जो जिनकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं ये नहीं फरमाया जो नमाज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं जो रोज़े क्यों नमाज़ों पढ़ने वाले कई वो लोगों पर भी साथ साथ जुल्म कर रहे हैं रोज़े ज़्यादा रखते हैं वो रोज़े रखने वाले कई उनको कोई होश नहीं रोज़ा क्यों रख रहे हैं हज करने वाले कई हैं कि जिनको कोई हकूक दूसरों का ख़्याल नहीं तो हजूर असलम से जब ये अर्ज़ की गई कि अई इस्लाम अफदल कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ इस्लाम द फ्रूट के नमाजी परहेजी रोज़ा हज ये जब आ जाए तो आखिर रिजल्ट क्या होना चाहिए फ्रूट क्या होना चाहिए और इस्लाम बहुत बड़ा मज़हब है बहुत बड़ा दीन है मुझे तो कुरान हदीस हज़ारों लाखों यानी आयते हैं हज़ारों लाखों हदीसें हैं समझना हर बंदे का काम नहीं इसलिए साहबा कराम ने पते की बात पूछ ली कि या रसोल हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि मुसलमान सबसे अच्छा कौन सा है और इस्लाम की सबसे ज़्यादा समझ किसको आई है वो कौन सा उसमें क्या होना चाहिए वो दाढ़ी होगी उसकी रोज़ा होगा नमाज हो कोई बड़ी निशानी बताएँ जिस पे गलत फहमी ना हो सके आपने फरमाया कि वो है कि जिसके जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज़ हैं वो उसी का इस्लाम सबसे अफजल है और वही मुसलमान सबसे ज़्यादा बेहतर है फ़रमाया मुसलिमल सलीमल मुसलिमून मिलसानी व यदी ज़ुबान क्या मतलब है कि ये किसी पर ताना तशनी गिबत चुगली ये हम रोज़ जो करते रहते हैं रात दिन कोई बेलुगाम मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर एल्ज़ाम ये वो अच्छा हाथ ये है ताकत इस्तेमाल हैं लोगों के खिलाफ जिसका दिल जब इसके खिलाफ इसके इसका करेक्टर सेशनेशन कर दो इसके पैसे ले लो इसकी दौलत ये नहीं देख रहे आप दुनिया में भी क्या हो रहा दुनिया में देख ले शाम इराक़ ये दूसरा अपना यही कुछ हो रहा है और इस्लाम ये है कि फरमाया कि जुबान हाथ से अब एक हदीस ना के फिर चाहो आप इस्लाम से फिर पूछा उन्होंने कि या रसूल मोमिन कौन है मोमिन बिलीवर हु इज अ बिलीवर फमिनल मोमिन वन अब्दुल्ला बिन उम्र रदी अल्लाह तन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने रवायत किया कि एक बंदा आया अता रजुलन रसूल एक बंदा एक, एक मर्द आया उसने पूछा यार रसूल ये मोमिन कौन होता है मोमिन हम तो कहेंगे ना मोमिन ये है वो है अपनी अपनी डेफिनेशन है लेकिन हजूरअसल ने फरमाया कि मोमिन वो है मनता मन सलामालिम व अनफुसिम दिलीवर इज़ होम पीपल ट्रस्ट हु पीपल ट्रस्ट विद दियर प्रॉपर्टीज़ एंड विद यर लाइव एंड विद यर ऑनर्स मीनिंग फरमाया मोमिन वो है कि जिस पर लोग पैसों के बारे में अपनी जान के बारे में अपनी इज्जतों के बारे में एतमाद करें वो मोमिन है तो आप खुद देख लें भाई आप पर लोग करते हैं कि कुछ जवान बेटी इनके पास छोड़ जाएंगे घर में ये इन हमारी इज्जत महफूज रहेगी इनके पास हम पैसे रख दें दे दें हमारे पैसे महफूज हैं इनके जो जान हमारी महफूज है अगर इनके हाथ में या इनका जो मामला हो गया तो फरमाया अगर तुम ये महसूस करो कि लोग तुम पर माल के बारे में इज्जत के बारे में जान के बारे में ट्रस्ट करते हैं ये ईमान की निशानी ये है मोमिन कि द मोमिन बिलीवर इज़ द वन फ्रॉम होम अदर्स प्रॉपर्टी ऑनर एंड लाइफ आर सेफ दैट इज़ ए बिलीवर जिक्र करने वाला वो ब्रिजन वो बिल्कुल उल्ट हो सकता है वो तो दिखावा हो सकता है लेकिन जो है मुसलसल अल्लाह की मखलूक की खिदमत और मामला अंदाज़ फ़रइज के बाद जो है ये रखना ये इतमाद होना लोगों को बंदे पर जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम मक्का में थे, तो काफ़र भी मानते पास रखते थे आज लोग पैसे रखते हैं आपके पास कर्ज़ लेते हैं या कर्ज देते हैं वो हड़प कर जाते हैं वो बने पाकिस्तान में कितने हिंदुस्तान बंगला यहाँ वाले लोगों की ज़मीनें मकानात उनके रिश्तेदारी रसप कर गए और साथ ही नमाजें भी जारी हैं रोज़े भी जारी हैं और वो हाजी नवाजी बने तो आप उनको कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है फरमाई वो मुसलमान ही मोमिन ही नहीं जो जिस ये जिसमें ये सिफ देना वो तो है अल्लाह के हकूक़ वो तो अल्लाह पूछेगा लेकिन इसका जो है इजहार ऐसे होता है तो अल्लाह जल्ज जलाल हमें सही मानों में जिसको नबी अलैहिस्सलाम मान रहे हैं सहाबा कराम पूछ रहे हैं कि वो इस्लाम की समझ दे और वो मुसलमान और वो ममिन बनाए जिसको नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि हमारी ज़ुबान हाथ से इसी का दर्श ये तरीका मोहम्मदिया में रात दिन देते रहते हैं कि भई ये अपनी ज़ुबान कान आँख इन चीज़ों को की हफ़ाजत करता है बंदा तो उसको फिर अल्लाह पा खुश होता है उस पर अल्लाह की मखलूक भी खुश होती है उसके लिए जजाक़ मल्ला सुनत अदा फ़रमा सुबह no sé no, no, no.